अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपने ना एक फेवर देनी है मुझे। वैसे तो छोटा सा इंटरव्यू होता है 3 4 5 मिनट का, तो आपका जो CTI का इंटरव्यू हुआ ना, एक दो तीन जितने भी आपके हुए हैं, जैसे भी याद आते हैं, तो जैसे मैं अभी वॉइस करके आपको सेंड कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आप चाहें तो एक एक इंटरव्यू की 1.5 2 2 मिनट 3 मिनट की वॉइस बना के सेंड कर दें, या आप तीनों चारों पाँचों जितने भी आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं उनकी वॉइस बनाकर सेंड कर दें। मैं वो YouTube चैनल है उस पर मैं अपलोड करना चाहता हूँ ताकि आने वाले लोगों की हेल्प हो सके। हो गया है इंटरव्यू, हो गए हैं तो उनकी भी बना दें, अगर कोई रहता है तो उनकी बाद में कर दीजिएगा, जो अभी याद है उसकी अभी बनाकर भेज दें। उसमें मतलब दूसरे बच्चों की खातर जो है वो मैं कोशिश करता होता हूँ। इस्लामियात के 22 इंटरव्यूज मैंने लिए थे आज, वो सारे के सारे मैंने फिर वीडियो बना के अपलोड कर दी अपने चैनल पर, एजुकेशन विद नाइन इंग्लिश की। उससे पहले मैंने बना के गाइडेंस अपलोड कर दी थी कि किसी की हेल्प हो जाए। इस्लामियात की थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि उसमें मेरी ड्यूटी लगनी थी, इसलिए मैंने कहा पहले बनाने की बजाय बाद में बना दूंगा, कोई इशू ना खड़ा हो जाए। तो आपने लाजमी जो है ना मुझे ये अपने इंटरव्यू सेंड करने हैं, जो याद आ जाए जैसे याद आ जाए, क्वेश्चन क्या था आंसर क्या थे, और अगर आपको लगता है कि सही आपको पता लग गया है तो सही भी वो बता दें, साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं जैसे मैं करता हूँ कि ये सवाल था ये मैंने जवाब दिया लेकिन इसका सही जवाब ये था, या फिर ये था लेकिन मैंने ये जवाब दिया ये गलत है, फलाना फलाना, थोड़ी सी कमेंट्री भी हो जाए। 3 4 मिनट मतलब आपका लेक्चर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। 19 अक्टूबर बरोज हफ्ता मेरा इंटरव्यू था गवर्नमेंट ग्रेजुएट एसोसिएट कॉलेज कॉमर्स हरुणाबाद में। तो वहाँ जब मैं एंटर हुआ तो एंटर होने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद वहाँ शायद इंग्लिश वाले कोई उनके लेक्चर बैठे थे, उन्होंने मुझसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने क्वेश्चंस किए इंग्लिश के बारे में। इंटरव्यू मेरा इंग्लिश शॉर्ट हैंड का था तो उसमें उन्होंने बेकन के हवाले से मुझसे क्वेश्चंस किए थे काफ़ी। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है फ्रांसिस बेकन का। तो इसके अलावा मतलब वो होता है प्रोफास चीज़ों को ना थॉटफुल वो बनाता था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बेकन के कोई ऐसे पढ़े हुए हैं आपने, तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैंने पढ़े हुए हैं ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ ग्रेट प्लेसेस, ऑफ मैरिज एंड चिल्ड्रन लाइफ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप मैरिज ऑफ मैरिज एंड चिल्ड्रन लाइफ के बारे में बताएं। तो उसके हवाले से मैंने उन्हें बताया था कि उसका जो कंसेप्ट है ऐसे का यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शादी से पहले पहले कर लें। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग बिगर और फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल तो डोंट मैरी। तो इस पे उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि ये अगेंस्ट इस्लाम नहीं है इस तरह से। तो उसके बाद मुझसे प्रिंसिपल साहब ने इंग्लिश से इंग्लिश का एक क्वेश्चन पूछा था, कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से पूछा था कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। वो स्मॉलर कर देना, जैसे कैन नॉट को कांट या डू नॉट को डोंट इस तरह। फिर शॉर्ट हैंड के टीचर बैठे थे, उन्होंने फिर मुझसे शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस पूछे और मुझे कहा कि आप वाइट बोर्ड पर लिख कर दिखाएं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने एक लिखवाई थे। इसी तरह उन्होंने फिर मुझसे वॉवल्स के बारे में पूछा, कंसोनेंट और स्ट्रोक्स में क्या डिफरेंस होता है ये पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस थे। यही ओवरऑल मेरा इंटरव्यू था इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके अलावा मेरा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया में इंग्लिश का इंटरव्यू था 19 अक्टूबर बरोज हफ्ता। तो जब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले वही कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो आप किस तरह, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 140 की तादाद है एक एक क्लास की, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि जिस तरह मैं पहले भी
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स भावनगर में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ भी एवन की कुछ क्लासेस की 100 तादाद है एडीसी की, तो मैं उन्हें पहले भी कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसके अलावा आप इतने दूर से यहाँ कैसे 40-45 किलोमीटर का ट्रैवल करके आएंगे डेली? तो मैंने कहा सर मैं पहले भी करता रहा हूँ और आई कैन मैनेज इट इजीली। तो इस तरह उन्होंने कोई लिटरेचर से या लैंग्वेज से रिलेटेड या कोई करंट अफेयर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे थे, उन्होंने जस्ट यही पूछा कि आप क्लासेस को बस कैसे हैंडल करेंगे और किस तरह आप पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई वीक स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस वो पूछते रहे थे। बकाया कोई उसमें कोई मेन चीज़ नहीं थी, मेन मतलब के जिसकी फॉर एग्जांपल हम प्रिपरेशन करके जाते हैं कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, पहले तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ये भी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या आपने किस तरह क्लास में जाकर परफॉर्म करना है वगैरह वगैरह। बस यही था सर, ऑलमोस्ट। अल्लाह हाफिज़।